देश में डिजिटाल लाइफस्टाइल नुआ रूप नेउछि। फिक्कीर विश्व दक्षता सम्मेलन एवं डिजिटाल एवं शिक्षा संबंधी आंतर्जातीय कनक्लेव्रे केन्द्र मंत्री देशर अर्थनीति को अधिक मजबूत करबा पई मानव संबल को शिक्षित एवं दक्ष करबा को हेबो। विकासशील विश्व रे भारतीय नॉलेज नेटवर्क समाजर मंगल पई कार्य करिबो। भारत रे डिजिटल लाइफस्टाइल एक नुआ रूप नेउछि। 5G, डिजिटल पेमेंट, डिजिटल विश्वविद्यालय सह देश में डिजिटालाइजेशन नूतन सुजोग सृष्टि करुछि एवं आगामी दिन में आहुरी अधिक सुजोग प्रदान करिबो बोली मंगलवार नुआ दिल्ली ठारे दुईटी पृथक पृथक कार्यक्रम रे जोग देई कहिसेंती केंद्र शिक्षा दक्षता विकास एवं उद्यमता मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान। डिजिटल रूपांतर एवं शिक्षार अंतर्जातीयकरण शीर्षक अंतर्जातीय कनक्लेव एवं फिक्की स्किल डिविजन पक्षरू आयोजित 13तम विश्व दक्षता सम्मेलन रे जोगदे एहा कहिसेंती केंद्र मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान। 2023 सुधा स्वदेशी ज्ञानकौशल रे 5G रो कार्यकारिता सह डिजिटल पेमेंट रे भारत विश्व रे अग्रणी देश भाबे उभा हेउची। आगामी दिन रे देश रे डिजिटल विश्वविद्यालय एवं प्रत्येक गाँ को हाई स्पीड इंटरनेट सह संचोग कराजिबो बोली कहिसेंती केंद्र मंत्री। एनईपी में विश्व स्तर की विश्वविद्यालय को यूनिवर्सिटी को भारत में ले आने की व्यवस्था किया जा रहा है। इसी को आगे बढ़ाने के लिए ऑस्ट्रेलिया की प्रेस्टिजियस डेकिन यूनिवर्सिटी और हमारे भारत की टेक्नोलॉजी कंपनी TCS की बहुत लंबी कोलाबोरेशन पुरानी है। आज उन्हीं की सौजन्य से एक डे लॉन्ग वर्कशॉप हुई जिसमें डिजिटलाइजेशन और इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन इसके ऊपर चर्चा हो रही है। सभ्यतार मूल स्तंभ हेउछि ज्ञान एवं भारतर सभ्यता ज्ञान आधारित एवं ज्ञान द्वारा ही आग को बढ़ुछि। एही परंपरा को आग को नहीं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 रो क्रियान्वयन करा जाउछि। जातीय शिक्षा नीति कार्यकारी हेबा परे विश्व रे थिबा गुणात्मक शिक्षानुष्ठान गुड़िक भारत प्रति आकृष्ट होइछंती। अंतरराष्ट्रीय शिक्षानुष्ठान भारत रे कैंपस स्थापन करिबा एवं भारतर शिक्षानुष्ठान मध्य विश्व रे निज कैंपस स्थापन करिबा पई नॉलेज नेटवर्क सृष्टि करिबा पई केंद्र मंत्री आह्वान करिसंती। विकासशील विश्व रे भारतीय नॉलेज नेटवर्क समाजर मंगल पई कार्य करिबो बोली कहिसंती केंद्र मंत्री। भारत की विद्यार्थियों को नौजवानों को इनकी एम्प्लॉयबिलिटी कैसे बढ़े, विश्व स्तर की कौन कौन सी स्किल्स इमर्ज कर रहा है, उसमें से कैसे शिक्षा व्यवस्था बनाया जाए, ये सारा विषय की चर्चा होगी। आज डेकिन यूनिवर्सिटी ने कुछ स्कॉलरशिप इंडियन स्टूडेंट्स के लिए भी अनाउंस किया है। कुछ स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम की भी कल्पना की गई है। शिक्षा एवं दक्षता विकास क्षेत्र में परिवर्तन आनिबा दिगरे कार्य करने सहित नूतन पीढ़ी एवं प्रतिभा संपन्न मानव संबल को रोजगार प्रदान करने पई मिलित भाव कार्य करने को शिक्षानुष्ठान शिल्प एवं नीति निर्धारक को काम करने पई आह्वान करिसेंती केंद्र शिक्षा मंत्री। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्गस न्यूज।